हे गाइस, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं टेक प्रतीक यूट्यूब चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Redmi Note 9 की और आपको बताएंगे इसके प्राइस एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक प्रतीक को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं Redmi Note 9 की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये है Redmi Note 9 का बॉक्स। चलिए इसकी सील को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्लियर व्यू Redmi Note 9 के सिंपल से बॉक्स का। और दोस्तों, यहाँ साइड में लिखा है Redmi Note 9 और ये आता है 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में। फ़ोन का कलर होने वाला है पोलर वाइट। देख लेते हैं सेक्शन में क्या है। तो फर्स्ट सेक्शन में है सिम इजेक्टर टूल, साथ ही है वारंटी कार्ड एंड एक यूज़र मैनुअल। ये है हार्ड शेल बैक केस विद कैमरा कटआउट्स। चलिए दोस्तों, चेक करते हैं फ़ोन के साथ आने वाली अदर एसेसरीज़ को। और सबसे पहले है टाइप ए टू टाइप सी USB केबल, साथ ही है 18 वॉट का फास्ट चार्जर। ये आपके फ़ोन को काफ़ी तेज़ी से चार्ज कर देगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं Redmi Note 9 के बॉडी डिज़ाइन के बारे में। स्मार्टफोन के स्क्रीन प्रोटेक्टर पर मेंशन है कुछ इसी की स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले दोस्तों, इसमें है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 13 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा, 5020 mAh की बैटरी, 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ में। इसमें इन द बॉक्स चार्जर मिल जाता है आपको 18 वाट का। थर्ड नंबर पर है इसमें 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले आती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में। सबसे एंड में मेंशन है हाई परफॉर्मेंस हीलियो G85 प्रोसेसर। चलिए दोस्तों, Redmi Note 9 के स्क्रीन प्रोटेक्टर को कर लेते हैं रिमूव और आपको दिखाते हैं Redmi Note 9 का फर्स्ट लुक। दोस्तों, पोलर वाइट कलर में ये है Redmi Note 9 स्मार्टफोन Redmi की तरफ से। दोस्तों, बहुत ही शानदार लग रहा है ये स्मार्टफोन। स्पेशली इसका कैमरे का डिज़ाइन एंड कलर बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा है। दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का विद f1.79 अपर्चर, और इसमें आता है 6P लेंस। सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो दोस्तों, यह है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड विद f2.2 अपर्चर, इसमें आता है 5P लेंस। थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा विद f2.4 अपर्चर। फोर्थ कैमरा की बात करें तो दोस्तों, इसमें है डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का विद f2.4 अपर्चर, इसमें है 3P लेंस। कैमरा के राइट साइड में है LED फ्लैश लाइट और कैमरा के जस्ट नीचे दिया हुआ है फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसमें आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिलेगा। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसके बैक साइड में कैमरा के नीचे दिया हुआ है फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके बॉडी एंड डिज़ाइन के बारे में। तो राइट साइड में आपको मिलेगा वॉल्यूम रॉकर की और उसके जस्ट नीचे है पावर बटन। और दोस्तों, Redmi Note 9 थोड़ा हैवी होने वाला है। इसका वेट है 199 ग्राम्स। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके ऊपर की साइड की। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक माइक एंड आयर ब्लास्टर देखने के लिए। और फ़ोन के लेफ्ट हैंड साइड पर है डेडिकेटेड सिम ट्रे, इसमें आप ड्यूअल नैनो सिम कार्ड्स लगा पाएंगे। और साथ ही दोस्तों, इसमें मेमोरी एक्सपेंड कर पाएंगे आप अप टू 128GB। फ़ोन के नीचे की साइड है 3.5mm का हेडफोन जैक, उसके साइड में है माइक, साथ ही है टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। बात करें नोट 9 के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद f2.25 अपर्चर, और इसमें आपको मिलेगा 5P लेंस। दोस्तों, पंच होल सेल्फी कैमरा रहने वाला है Redmi Note 9 में। चलिए दोस्तों, कर लेते हैं फ़ोन को बूट और आपको बताते हैं इसके प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, इसमें रहने वाला है MediaTek Helio G85 चिपसेट। और बात करें GPU की, तो इसमें है ARM G52। गेम वगैरह खेलने में काफ़ी कम लैगिंग देखने को मिलेगी आपको इस स्मार्टफोन में। बजट स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं Redmi Note 9 में, और ये वर्क करता है MIUI 11 पर, जो बेस्ड है Android 10 के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में। ये काफ़ी फाइन वर्क करता है, बहुत स्मूथली फ़ोन को अनलॉक कर देता है। साथ ही दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है फेस अनलॉक का भी ऑप्शन। फेस रिकॉग्नाइजेशन काफ़ी फास्ट है अकॉर्डिंग टू द बजट स्मार्टफोन, और ये बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है, जैसे कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी स्मूथ था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के एंटूटू स्कोर की, और इसका एंटूटू स्कोर रहने वाला है
2,06,555। दोस्तों बजट स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग इसका एंटूटी स्कोर काफ़ी अच्छा निकल कर आया है, दैट मीन्स इस फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी है। दोस्तों अगर आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए दोस्तों बात करते हैं Redmi Note 9 की डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको मिलेगी 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इसमें अमोल डिस्प्ले नहीं है क्योंकि एक बजट फ़ोन है। इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, साथ ही डिस्प्ले में है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। Redmi Note 9 में आपको 5020 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, साथ ही 18W का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स मिल जाएगा आपको। ये स्मार्टफोन 12 जून को लॉन्च हो सकता है इंडिया में और इसका वेरिएंट रहने वाला है 3GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में। दोस्तों बात करें इसके प्राइस की तो ये एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,990 रुपये। दोस्तों Redmi Note 9 तीन कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा, पहला है फॉरेस्ट ग्रीन, दूसरा है मिडनाइट ग्रे और तीसरा है पोलर वाइट कलर, जो कि हमारे पास है पोलर वाइट कलर का Redmi Note 9 स्मार्टफोन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली हर एक अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों कैसी लगी आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू एंड बाय बाय।